आगे बढ़े, मतलब जो हम लोग कर रहे हैं उससे एक कदम आगे बढ़े, क्योंकि मतलब उनकी सोच अगर आगे होगी तो आगे जाके मतलब अच्छी पिक्चरें बनेंगे, अच्छे प्ले बनेंगे, अच्छे एड फिल्म बनेंगे। तो जो भी वो लोग करें, मतलब मुझे लगता है कि यार एक कदम आगे बढ़ना चाहिए उन लोग को। तो जो शॉर्ट फिल्म मैंने देखी है, मतलब है कि थोड़े थोड़े एमेचर हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी इंटेंशन से मतलब कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनाए उन्होंने, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। सर, ऐसे जो बच्चे कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनसे आप कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे, अपने साथ जोड़ना चाहेंगे उनको? जी बिल्कुल, मतलब वो तो जोड़ते रहते हैं हम लोग, असिस्टेंट डायरेक्टर ये सब, वो सब बच्चे तो आते रहते हैं हमारे साथ काम करते रहते हैं। मैं जोड़ना चाहूँगा, लेकिन ये भी चाहूँगा कि वो लोग अपना खुद करे, अपना खुद फिल्में बनाए, क्योंकि मतलब क्या है, जोड़ने से तो थोड़ी एक्सपीरियंस या थोड़ा लर्निंग बन जाती है, लेकिन जो असली लर्निंग होती है वो तो अगर खुद पिक्चर बनाना, तो जो वो लर्निंग वहाँ से आती है, तो वो ना मैं ना कोई और डायरेक्टर सिखा सकता आपको। मेरा नया प्रोजेक्ट तो अभी 6 महीना दूर है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, तो जब होगा तब होगा सब। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, पूछिए। अच्छा मैम, क्या नया अपन देखा आपने बच्चों की कलाकारी में, किस तरह का बच्चों ने शूट किया है? अफसोस, मैंने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह जो एंट्रीज थी वो नहीं देख पाई मैं, क्योंकि मैं जूरी नहीं थी, लेकिन जो इन लोगों का उत्साह है, जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है ऑन ए इंटरनेशनल लेवल, व्हाट अ ग्रेट प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रिएट किया है। सो यूथ इज़ अमेजिंग, और इनसे दूर चले जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं और अब कॉलेज की लाइफ भूल जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इस कॉलेज में आकर देखा है कि कितने एंथुजियास्टिक हैं, कितने हार्डवर्किंग हैं, 6 महीने से काम कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अमेजिंग जो इन्होंने किया है, और जो इंटरनेशनल स्तर पर जो इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, दैट इज़ अमेजिंग। मैं नहीं सोचती कि इसमें मैं कुछ योगदान दे सकती हूँ, मैं कोई एडवाइस नहीं दे सकती इन बच्चों को, क्योंकि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर एक कामयाबी हासिल की है। मैं एक एक्टर हूँ, अगर मैंने कुछ एक्टिंग देखी होती मैं उस पर कुछ टिप्पणी दे सकती थी, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन इन 18-19-20 साल के बच्चों ने की है, दैट इज़ अमेजिंग। बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। नेक्स्ट ईयर मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहूँगी। मैं शुरू से जो 6 महीने पहले से अगर मैं इन्वॉल्व होंगी, तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से अपनी मच्योरिटी के साथ, अपना इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होने के साथ जो मेरे एक्सपीरियंस पाया है, उस एक्सपीरियंस को शेयर करके इन बच्चों को थोड़ा और मतलब थोड़ा उसमें और सोफिस्टिकेशन ला सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वो सोफिस्टिकेशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इन्होंने एक नयापन जो दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और ये नई चीज़ जो इन्होंने एक नया इजाद किया है, उसी वही तो काबिल तारीफ है। तो आई डोंट थिंक आई शुड कंट्रीब्यूट टू मच। मैम, क्या नया आने वाला है और किस फिल्म में आपको देखेंगे? मेरे को कोई काम ही नहीं देता, बोलते 7 साल आप कॉमेडी सर्कस बैठी हैं, अब तो मतलब लोगों ने ये सोचना ही छोड़ दिया।